Hello, today we are in Murshidabad and we are meeting some representative of Beldanga Sabujayan Sangha, and they are with us. They are helping us in here in Murshidabad in learning about the whole trafficking thing in this district. And today we were in road jam for almost 5-6 hours, so we have less time to discuss anything with the community and even visit the community. And even I think this is a rainy season here today. So and my friend was saying like Sabujayan means something like hariyali or greenery. So the environment is really appreciating us and welcoming us here. So thank you so much. हम लोग सारी बातचीत जो है वो हिंदी में करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है. सो मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें ये कर रहा जो बात कर रहा है वो इसलिए कर रहा कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका विशेषता क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, खास करके ट्रैफिकिंग से क्या रिलेटेड है आपके यहाँ. हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बंगला बिहार और उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था. नवाब सिराजुद्दौला पर शासन किया करते थे, ये उनका राजधानी था मुर्शिदाबाद. यहीं से ही अंग्रेज लोग भारत में घुसे थे पहली बार मुर्शिदाबाद. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और दरिद्रता दोनों ही ज़्यादा है, अशिक्षा और दरिद्रता, इसका फायदा लेके कुछ बाहर के कुछ आदमी लोग यहाँ पर आते हैं और कम उम्र लड़कियों को शादी का झांसा देकर बाहर ले जाते हैं. फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला. पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा कम सुना जाता है, ऐसा थोड़ा कम होता है. आदमी लोग जो है थोड़ा सचेतन हुआ है इसके बारे में. थोड़ा कम मेन जो रीज़न है अशिक्षा और इसलिए लोग काम के लिए जाते हैं, और जो कभी कभार उनके परिवार जो उनको बाहर के स्टेट में शादी दे देते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता. उनका परिवार का जो आदमी लोग है वो भी उसको भूल जाता है एक टाइम के बाद, और पुलिस के पास भी ज़्यादातर आदमी लोग नहीं जाते. तो ऐसे ट्रैफिकिंग का एक नेटवर्क यहाँ बना है और बना था, अभी कम अभी स्थिति बेहतर. आप लोग क्या करते हैं ट्रैफिकिंग को खास करके रोकने? हम जो कर रहे थे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ का जो ट्रैफिकिंग होता है उसका मेन कारण दो है, एक तो ये है अशिक्षा और दूसरा नंबर है दरिद्रता. हम क्या करते हैं, हम एकदम ग्रास रूट में जाकर इलाकों में लड़की लोग ट्रैफिक हो सकता है वहाँ जाके उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ वक्त बिताता है ताकि वो स्कूल ना छोड़े. स्कूल का भूमिका यहाँ पर बहुत बड़ा है. जो लड़की हर रोज स्कूल जाती है माँ बाप उनका शादी भी नहीं करवाता और कहीं भी काम पे भी नहीं भेजता. इसलिए हमारा कोशिश है कि लड़की लोग पढ़ाई करें, स्कूल जाए रेगुलर ताकि वो बच जाए. हमने देखा है पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हम देखा है जब भी लड़की स्कूल से ड्रॉप आउट होता है उसके बाद ही उसको बाहर के स्टेट में भेज दिया जाता है काम के नाम पर, या फिर कभी भी उसको शादी के नाम पर बाहर भेज दिया जाता है. उसके बाद तब क्या होता है किसी को पता नहीं. तो हम कोशिश करते हैं लड़की लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई ना छोड़े. ना जो प्रॉब्लम है उनके बारे में हम हेल्प करते हैं. जो नियम कानून है देश का राइट टू एजुकेशन वो ठीक तरह से यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, हम वो भी
भी देखते हैं और ड्रॉप आउट कैसे बंद किया जाए ये हम देखते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो माता पिता है उनको थोड़ा अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है, आपके लड़के के साथ भी हो सकता है। और ऐसे जो ट्रैफिकिंग के डायरेक्ट केस हो जाते हैं, मिसिंग केस आ जाते हैं, तो उस पे आप लोग क्या करते हैं? हम कई बार उनके जो गार्जियन हैं उनको हम बोले थे कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और लिखवाइए, दर्ज करवाइए केस ऐसा हुआ है। तो उनका जो गार्जियन लोग हैं वो ज़्यादातर पुलिस से दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं हम वेट करेंगे, एक दिन नहीं तो वापस आएगी, ऐसा होता है। और ज़्यादातर इसमें कोई कुछ नहीं करता। हमारे यहाँ का कई एनजीओ है जो इनके ऊपर काम कर रहा है, तो कभी कभार वो भी कुछ रिक्यू वगैरह करते हैं बाहर के सेट से, ठीक है। कभी कभी रेड लाइट इलाका में सभी हमारे यहाँ का लड़की लोग मिल जाती है, यही होता है। अभी नया एक ट्रेंड चालू हुआ है फिल्म में चांस देने के नाम पर, लड़की कम उम्र के लड़कियों को ले जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। ये अभी शुरू हुआ है हमारे वहाँ यहाँ। वो लड़की लोग अशिक्षित नहीं है और दरिद्र भी नहीं है, मगर फिल्म लाइन में चांस होगा ये सोचकर वो जा रहे हैं। हम खुद भी ऐसे दो तीन लड़की को वापस लाए हैं कि वो सियालदा स्टेशन हमारे यहाँ का बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर बैठी थी, कोई आने वाला था उनसे मिलने के लिए, तो हम उनको वापस आए थे। तो ऐसे जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, नए नए जैसे जैसे आपने बताया कि फिल्म में काम करने के नाम पे ले जाएं, तो ये ना तो गरीब लड़कियां होंगी ना तो अशिक्षित होंगी, ये पढ़ी लिखी होंगी और ठीक ठाक फैमिली से होंगी। तो इसमें जो सिविल सोसाइटी, जो समाज है यहाँ का, ये समाज यहाँ पे क्या करवाता है, इस पे क्यों आवाज नहीं उठा समाज? कहीं ना कहीं उनका जो फैमिली है या फिर उस लड़की का जो दोस्त लोग है उनका एक सपोर्ट रहता है इसमें, थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। ऐसा एक हम खबर में सुनते कि कोई लड़का मुंबई में आके बनने बन गया, कोई लड़की बाहर से आई और बड़ी एक्ट्रेस बन गई, तो फिर स्ट्रगलिंग करना कहते हैं इसको। तो इसके वजह से उसका जो दोस्त लोग है उनको उसको इनकरेज करती है कि तुम जाओ, शायद तुम्हें भी तुम्हारा लक भी फेवर करे और तुम स्टार हो जाओ। तो ये बात है और ये जस्ट ट्रेंड शुरू हुआ है हमारे यहाँ, इसलिए सिविल सोसाइटी अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। हमारे जो संगठन है इसके आप नाम ले लीजिए ना, हमारे संगठन का जो नाम है बेलडंगा सबुजायन संघ। सबुजायन का मतलब है हरियाली के विस्तार, हरियाली मतलब नहीं। हमारे जो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर इतना सारा प्रॉब्लम है कि आदमी लोगों का जो थॉट है वो धीरे धीरे डार्क हो रहा है, उनमें से ग्रीनरी जो है हरियाली कम हो रहा है। तो ये सोचे हम ये संगठन बनाए कि हमारा जो परिवेश उसको रक्षा करना है और जो हमारे यहाँ का जो मानव संपद है उसे भी रक्षा करना है, इसके लिए हम ये संगठन बनाए। हम क्या करते हैं, हम जो गर्ल्स ग्रुप है छोटा छोटा उनको अवेयर करते हैं कि कहीं भी जाने से पहले उसके बारे में पूरा पूरी जान लो। हमारा कुछ गर्ल्स ग्रुप को हम अभी मार्शल आर्ट भी सिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ इब्टिजिंग रेप लड़कियों का ऊपर होने वाला अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पूरे देश में ही बढ़ रहे हैं, हमारे स्टेट में भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़की लोग स्ट्रांग हो, एम्पावर द गर्ल, ताकि वो पावरफुल हो और खुद का रक्षा खुद कर पाए, ये सब हम कर रहे हैं। और विशेषता महीने में दो महीने में हम कोशिश करते हैं जो गर्ल्स ग्रुप है उनका जो गार्जियन है पेरेंट्स है उनसे एक बार विजिट करें, एक बार भेंट करें और उनको बताए कि आपके लड़की के साथ आप फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करो, ताकि अगर आपके लड़की के साथ कुछ भी गलत हो पहली बार माँ से या पिता से बोल पाए।
भी काम कर रहे हैं, कुछ सारा काम बाकी है एवं आदमी लोग जो थिंकिंग है वो चिंता काफ़ी मुश्किल है, इसको काम करना होगा काफ़ी सारा। अच्छा, तो जो आपका ग्रुप है पूरा उसमें कैसे कैसे लोग हैं जो जो आपके साथ हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो आपके ग्रुप के साथ हैं? मेनली स्टूडेंट लोग जो 11 12 जो क्लास है उसके बाद वो आते हैं हमारे यहाँ। 11 12 का जो स्टूडेंट है, कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ वॉलंटियर होता है और सहज की करना है थॉट से वो हमारे पास आते हैं और खुद से कुछ करना है ये सोच के वो करते हैं। आपके जो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा कुछ होगा तो उसके बारे में कुछ बताइए, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है? हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस सेक्रेटरी है, हमारा जो प्रेसिडेंट है हमारा एक आंटी है वो हर बात में हमें मदद करती है, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे बात करते हैं, वो हमें रास्ता बताती है। और ये मेरा बेटा है, मेरा दोस्त अमित, ये ट्रेजरर है हमारा संगठन का। और ये है कमलेश जो नया जब ग्रुप आ रहा है अभी सभी इसके थ्रू आ रहा है, नया वॉलंटियर जो लोग है उसका लीडर है टीएल। तो ऐसे ही हमारा ग्रुप चल रहा है और हम काम कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो एक काम करने में बहुत चैलेंज आता है फंडिंग का, तो आप लोग फंडिंग में क्या करते हो? सच बात बोलने से अभी तक हम 2007 से काम कर रहे हैं, अभी 2018 चल रहा है। तो हम जो दोस्त लोग हैं हम अपने पॉकेट मनी बचा कर हम ये काम करते हैं और कभी कभार थोड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे हमें कुछ चंदा वगैरह मिलता है और कभी लोग हैं जो हमें कभी कभार चंदा देकर करते हैं, ऐसे ही हमारा धन चल रहा है। ऐसा कोई बड़ा फंडिंग का कोई अभी तक रिसोर्स नहीं है, हम अपने ही हौसले से, सिर्फ हौसले के बल से हम काम कर रहे हैं, अभी करेंगे 10 साल हो गया तकरीबन, 2007 से कर रहे हैं, अभी 2018 हो गया हम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम और एक इसके ऊपर फोकस किए हैं जो हमारे यहाँ टाउन के बाहर जो गांव है वहाँ का जो महिला लोग है वो घर में बैठी है, उनके घर में दरिद्रता है मगर उनके पास काम नहीं है, इसलिए हम क्या किया उन महिलाओं को कुछ ट्रेन कर दिया ताकि वो घर में बैठ के कुछ बना के। हाँ, तो वो क्या था सामान? वो मैं उसी को ढूंढ रहा था। ये देखिए, ये है एक बैग, ये जिस चीज है उस चीज को सारा तो हम कुछ यूज के माने कुछ भी उससे हम यूज नहीं कर पाते, उसे हिंदी में कहते जलपरी और इंग्लिश में कहते वाटर हायसिंथ, जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। हमारे यहाँ का जो मीठी का नदी है, तालाब है, वो जलकुंभी से वाटर हायसिंथ से एकदम ढक जाता है। तो हम क्या किया, हमने काफी सर के बाद कुछ लगाया कि वाटर हायसिंथ से हम बैग, हड़िया, हैंडीक्राफ्ट, चेयर, टेबल इत्यादि हम बना सकते हैं। तो हमने पहले कुछ सीखा और फिर गांव जो महिला है उनको हम ट्रेनिंग दिए, ये भी नहीं है ये बैग, इसके ऊपर पेंटिंग होगा, यहाँ से फीता लगेगा, चेन लगेगा और ये बहुत शानदार माइंड बैग जगह करके हैंडी बैग। तो ये हमारा जो महिला लोग है गांव का वो अभी बना रहे हैं। इससे क्या हुआ है जो ये बैग है ये कितने का पूरा बनाने के बाद ये कितने का पड़ेगा आम आदमी को, अगर कोई आदमी खरीदना चाहे तो कितने? तकरीबन 200 रुपए में एक बैग आ जाएगा जो पूरा पूरी एकदम हैंड वेविंग है, ये हैंडमेड हैंडमेड बैग जो होता है उसका कीमत काफी ज्यादा है, आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, मगर ये 200 रुपए में आ जाएगा। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, कुछ डिफरेंट कलर के भी है, अभी हमारे पास एक है इसे हम एक ही दिखा रहे हैं। हम ये जस्ट स्टार्ट किया है, अभी अभी ये कम्प्लीट भी नहीं है, अभी बैग शुरू किया है अभी खुद के दम पर, कोई फंडिंग नहीं, हम खुद ही सीख कर रहे हैं। तो ये जब बैग
बैग बिकता है तो इस मार्केट कहाँ होगा? आप ट्रेन कर रहे हो लोगों को, तो इस बैग का मार्केट कहाँ होगा? शहर जो है वहाँ पर हैंड से बना हुआ चाहिदा है, तो हम कुछ दोस्त मिलके वहाँ भी गए थे, कुछ दुकानदार से हम बात किए, वो बोला कि ठीक है आप ला हम देखें। और हमारे यहाँ हस्तशिल्प मेला बोलता है, मेला लगता है औरत लोग जो हाथ से बनाते हैं वो चीज लेके स्टॉल देता है और वहाँ पर वो आदमी लोग के खरीद। तो उस दिन बाद हमारे एक फेयर, विलेज फेयर होने वाला है, हस्तशिल्प मेला बोलता है बांग्ला में, तो वहाँ पर हम ये पहली बार इसको प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये अभी तक आपने प्रोजेक्ट नहीं किया? शुरुआती एक कोशिश है, इनके इस ऊपर कोई भी काम नहीं किया है पूरा वेस्ट बंगाल में अभी तक। मुझे पता नहीं क्या है। सुंदर है ये, ये सचमुच बहुत सुंदर है। और एक कोई देख रहा है ये आपका लाइव, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो जरूर मतलब ऐसे क्रिएटिव काम से सोशल वर्क ज़्यादा क्रिएटिव होता है और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। सो हमारे आपके काम की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। सो इसको कहते हैं मेड इन लव और मेड विद लव। सो लव के, प्यार के साथ चीज़ों को क्रिएट किया गया। सो ये बहुत सुंदर है। और मैंने जब हाथ में सोचा तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा था कि ये जो है कुंभी है। मैं काफ़ी देर थोड़ी समझ रहा। सो एक चीज़ मुझे बताइए कि जो आपका ये है ये कितने दिन टिक पाएगा? जलकुंभी बहुत ही ताकतवर चीज़ है, आप तो भी नहीं फटेगा। ये बहुत ताकतवर है, इसके ऊपर वाटरप्रूफ पेंट लगेगा। अच्छा, इसके बाद ये कई साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और इसमें कोई भी सिंथेटिक या प्लास्टिक ये वो यूज नहीं होगा? अभी तक इसमें कोई अभी नहीं होगा। ये फाइनल कपड़ा होगा? अच्छा, कपड़ा होगा। इधर एक चेन होगा और जलकुंभी का ही एक फीता होगा कंधे में टांगने के लिए। ओके, बहुत सुंदर। और दादा आप हमरे को इसमें तो नहीं बोलोगे, हिंदी में तो बोलोगे? आप तो हिंदी वालों से गुस्सा हो। सब मुझे बताती नहीं है तो काम है कि आप बोलें, सवाल आप कीजिए। आपको हिंदी बंगला दोनों आती है तो आप सवाल से जो मैं करना चाहता हूँ तो ये करेंगे। तो सबसे पहले इनसे पूछिए कि ये ऐसे इनके दिमाग में आया कि ये सब काम करना चाहिए, क्यों आया दिमाग में? यस, इट इज सॉफ्ट टू टच एंड दिस इज ब्यूटीफुल टू। या ओके, सम आस्किंग क्वेश्चन इफ दैट इज हमारे प्रोजेक्ट থেকে মানে এগুলো বাজারে মেইনলি চাহিদা যে যে সব দিতে এগুলো কি আমরা কাজ করছি মেইনলি আমরা আমি এই সমাজমূলক কাজে এলাম। আমরা যখন পড়াশোনা করার পরেই ভাবনা চিন্তা দিয়ে এই সমাজের সব কিছু চারিকে অবস্থা কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে আমরা কিছু একটা করব। এই মানটা থেকে প্রথমে বাচ্চাদের পড়ানো শুরু করলাম, শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করলাম। কাজ যখন শুরু করলাম দেখলাম যে তাদের অনেক কিছু শেখার না, তাদের এডুকেশান যেমন আছে তার সাথে কর্ম চাহিদাও আছে। তার জন্যে যাতে কর্ম কিছু দেওয়া যায়, সব কিছুতে একসঙ্গে একটা কভার করা যায়, সেই জন্য আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করে এই সব কাজগুলোতে এগিয়ে এলাম। তো আগের যে সব কাম করতে তো ইনকে যে ঘরওয়ালে ইনকে ঘরওয়ালে
वो इनको रोकते टोकते नहीं है कि अब ये सब मत करो, अब कुछ और करो। বাড়িতে তো বকাবকি করবেই, বাড়ি বাড়িতে করবে। আর আমরা তো তো মানি না, নিজের মতন কাজ করবে, কোনো সমস্যা নাই। ঘরে ডাঁটতে কবি কবার কি তুম ঘর কা কাম ছোড়কে আর ইসে পেট থোড়ি চলা হ্যায় সমাজ কাম করনে সে ক্যা হোগা, এসে ঘর মে কবি কবার ডাঁট ভি পড়তে হাম লোগ কো, মগর ফির ভি হাম করতে কুছ আচ্ছা রহা। আপ ঘর পে ক্যা কাফি ডাঁট পড়তা হ্যায়? अच्छा, हमारे घर में तो काफी डांट पड़ते हैं कि क्या कर ये करके क्या होगा। तो हम करते हैं कि जब रात को मैं सोऊंगा तो चैन की नींद आएगा, कुछ किया समझ के, ये जो थॉट है ये बहुत शांति देता है अंदर से, तो कुछ किया, यही मेन मेन जो थिंग है। और आप क्यों जुड़े हैं इस ग्रुप से? हाँ, इनको हिंदी में बताइए कि ये क्यों जुड़े इस ग्रुप से। क्यों जुड़े? भाई लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ ही ये सब थोड़ा थोड़ा, ये जो हमारा दादा है इनके से ही मैं इस लाइन पे आया हूँ। मुझे भी लगता है कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए। हमारा जो दोस्त लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये सब क्या कर रहा है, इससे थोड़ी चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ चल तुम लोग नहीं करोगे तो क्या मैं करता हूँ। ये सभी घर में भी लोग सभी घर वालों की बात अपनी मानते हैं, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है कि घर वालों की बात नहीं बात। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कभी सोच पाए इस पे कि आगे अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले 10 साल से आप चला रहे हैं इसको, तो कभी ये दिमाग में आया कि आगे ऐसे चलेगा या क्या होगा आगे? हाँ, ठीक है, एक बंदे को दो बंदे को तो पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका खर्च कहाँ से आएगा? और बहुत हम काफ़ी बार ये सोचे हैं मगर अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला कि फंडिंग कहाँ से आएगा। जब सोच के कोई रास्ता नहीं निकलता तो हम सोचना ही बंद कर देते। अभी तक 10 साल चल रहा है, पता नहीं आगे करेंगे एकदम पूरा दिल से 100%। ओके, थैंक यू सो मच। इंडिया इज रियली वंडरलैंड एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल एंड दे विल सरप्राइज यू, दे विल मेक यू क्रेजी। So we are with the same group today and I was really impressed after seeing them and after seeing their work. This is not only about trafficking, anti-trafficking movement, but it's also about sustainability of the movement and survival of the people, so they would not be trafficked. So the whole purpose of the march was to connect the dots and create a new network for preventing trafficking, not only legally or through police officials or something else, but just to create a sustainable network which would help us in preventing trafficking. And such product in his hand actually mean to and actually can prevent trafficking. So for the next time, if you are going to buy anything, please see and try to find if
person who is offering this kind of thing to you. So thank you so